हेलो एवरीवन, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। बेसिकली आज एक मुद्दा को लेकर के आया हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों को ऐसा लगता है कि सब दोनों का दोनों अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बातों को जरा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने मैं दो सेंटेंस दे रहा हूँ और इस दो सेंटेंस पर आपको विशेष फोकस करना है कि दोनों में रियल में मीनिंग क्या होना चाहिए या फिर इसका रियल मीनिंग क्या है। जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने दोनों सेंटेंस लिखा हुआ है। सबसे पहला सेंटेंस है आई एम इन द हॉस्पिटल और दूसरा सेंटेंस है आई एम एट द हॉस्पिटल। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि दोनों सेंटेंस अपने आप में सेम है या फिर दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों सेंटेंस देखने में भी अलग है और इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। जरा ध्यान से देखिएगा, आई एम इन द हॉस्पिटल, इस सेंटेंस के मीनिंग रियल में अगर इस सेंटेंस के मीनिंग को देखा जाए तो इस सेंटेंस का मीनिंग बोलता है कि कोई इंसान है, यानी आई एम इन द हॉस्पिटल, इसका मतलब यह हुआ कि मैं वो इंसान हूं जो खुद एडमिट हूं, यानी मेरी तबीयत खराब है, मैं पेशेंट के रूप में वहां पे हूं, उस हॉस्पिटल में भर्ती मैं पेशेंट के रूप में हूँ। इसका मतलब हुआ कि आई एम इन द हॉस्पिटल, और आई एम एट द हॉस्पिटल ये बेसिकली मीनिंग देता है कि आप एडमिट नहीं हो लेकिन आप किसी इंसान से मिलने हॉस्पिटल में गए हो। देयर आर सो मच डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों में बहुत अच्छा डिफरेंस था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।